चलिए ये सुनते हैं कि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का दोस्तों आज चैप्टर नंबर 8 यानी कि भाटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों कवर करूंगा, जो कि आप लोग को एनसीईआरटी दोस्तों पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और ये सब प्रश्न आप लोग बिल्कुल क्लियर करें तो एग्जाम में एक ही प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा, इतना आप लोग दोस्तों कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है सुन, आप लोग को साथ में ये भी पता होना चाहिए कि रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे 8 बजे चलता है और आप लोग पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और वहां से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आप लोग पूरा पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो डिस्टोर तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस पर आप लोग को पूरा पीडीएफ कोर्स उपलब्ध कराया जाता है डिस्टोर, जिसमें आप लोग को एग्जाम तक पीडीएफ दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा, सही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com पीडीएफ वगैरह टेस्ट क्विज सभी विद्यार्थी लगाने के लिए। चलिए देखो सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सब प्रश्न समझिए एग्जाम में आप लोग को पूछा भी जाएगा। ठीक है डेस्टोन, चलो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, सही विद्यार्थियों को पता है कि ए दोस्तों परपेंडिकुलर बी दिया गया तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, कितना इजी प्रश्न है, सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे। चलिए सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा डी स्टूडेंट। चलिए ए परपेंडिकुलर दोस्तों बी दे दिया गया, ए परपेंडिकुलर बी दे दिया जाता है तो ए डॉट बी जो होता है डी स्टूडेंट जीरो हो जाता है, ये एग्जाम में आप लोग को कई बार पूछा गया है 2021 के अतिरिक्त कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आप लोग देख लेना क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सी नंबर हो जाएंगे। चलिए देखें यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी इजी प्रश्न आया है। देखिए कहा जा रहा है कि आए दोस्तों डॉट दे दिया गया जे क्रॉस के, तो इसके लिए आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं डी स्टूडेंट। ठीक है ना, ये आप लोग आई समझ लो, ये आप लोग का जे हो गया और ये आप लोग का के हो गया। ठीक है डी स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग का दोस्तों मूव कर रहा है। ठीक है डी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को क्या कहा, जे क्रॉस के, तो जे कहाँ पर होगा, देखें देखो जे यहाँ पर दिया गया है, जे क्रॉस के बोल रहा है यानी कि आप लोगों को इस प्रकार से जाने के लिए बोल रहा है, तो आएगा क्या, आई आएगा आगे, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा डियर स्टूडेंट, बहुत इजी प्रश्न एग्जाम में आप लोग भौकाल मचाना, आई हुआ जे हुआ या के हुआ, तो आप लोग को जे क्रॉस के पूछा तो आएगा आगे क्या, तो आएगा आई, देखिए ये आई आ गया, तो आप लोग को पता डी स्टूडेंट कि जब आई आएगा तो आई पहले से लिखा हुआ आई लिख दिया, इसका वैल्यू आई आएगा, तो आई डाउट आई दोस्तों वन होता है, ये आप लोग को बता चुके हैं, क्योंकि आई और आई के बीच जीरो डिग्री का कोण बनता है, आई और आई के बीच जीरो डिग्री का कोण बनता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का प्रयोग होता है, यानी कि कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू पूछा है तो कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू वन होता है, इसीलिए बी नंबर हो जाएंगे, यानी कि आप लोग को तीन नंबर क्लियर करना है, जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में सेम रहेगा तो उसका वैल्यू दोस्तों जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जीरो, सॉरी वन हो जाएंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम का वैल्यू दोस्तों रहेगा डॉट प्रोडक्ट में सेम तो उसका जो वैल्यू होगा वन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को तीन नंबर क्लियर करना है, एग्जाम में ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा सा दोस्तों चेंज कर देगा, जे के जगह के कर देगा, लेकिन बनाने का पैटर्न यही रहेगा। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन का, सही विद्यार्थी कमेंट करो तो देखते हैं किसका बेहतर आंसर आता है। देखिए के क्रॉस दिया गया दोस्तों, के क्रॉस क्या दिया गया है, आई क्रॉस जे दिया गया, देखो के क्रॉस पहले लिख लिया फिर इसका वैल्यू सोचेंगे क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बता देते हैं क्या मान आएगा। देखिए डे सुन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है, तबे भौकाल मचाओगे जब रेगुलर क्लास करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। चलो देखिए यहाँ से क्या कहें, जे आई क्रॉस के पूछा था, आई क्रॉस जे पूछा जा रहा है, तो आई क्रॉस देंगे कहाँ किया, आई ये रहा या आएगा जे, तो क्या पता जे पूछा, देखो आई क्रॉस जे पूछा ना, तो देखो डी सुन काफ़ी इजी, आई क्रॉस जे तो आएगा के ना, देखो आई क्रॉस जे क्या, आई क्रॉस जे तो आएगा आगे के ना दोस्तों, आएगा के, बहुत ही अच्छा, यानी कि इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, के प्राप्त हुआ, और आप लोगों को पता है के क्रॉस के जो होता है दोस्तों जीरो होता है, क्यों होता है सर जी समझिए ना, बतला देता आप लोगों को क्यों होता है के क्रॉस के जीरो। देखिए आप लोगों को पता है के और के बीच जीरो डिग्री का कोण बनता है, और ये भी आप लोगों को पता है कि क्रॉस के लिए साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, और आप लोगों को ये भी पता है कि साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, आप समझ गए कि नहीं,
बिल्कुल समझ जाना चाहिए। जो नहीं समझ में एक और ट्रिक देंगे। देखो देखो समझ लेना आप लोगों को कि आई क्रॉस जे दिया गया था। आई क्रॉस के देखिए आई क्रॉस जे होता है के होता है, यानी कि के क्रॉस के, और के और के क्रॉस यानी कि सेम सेम में क्रॉस रहेगा ना डियर स्टूडेंट, के सेम सेम में क्रॉस तो इसका जीरो हो जाएंगे। सेम सेम में क्रॉस रहेगा तो इसका जीरो होता है, ये आप लोग याद रखोगे तो तीन नंबर यहाँ से भी क्लियर है, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एन कैप का वैल्यू पूछा जा रहा है। स्टूडेंट काफी इजी प्रश्न है, सही विद्यार्थी कमेंट करो तो कि एन कैप का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। चलिए बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, याद रखना एन कैप का जो वैल्यू होता है वन होता है, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, एन कैप का जो वैल्यू होता है वो वन होता है, जो कि आप लोग बी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। चलिए फाइव नंबर, जो विद्यार्थी इसका ए बी नंबर ऑप्शन लगे बिल्कुल गलत जवाब लगाएं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ए डॉट ए पूछा जा रहा है और ए डॉट ए जो होता है डी स्टूडेंट ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। ये नहीं कि सेम सेम है तो वन कर देंगे, इसके लिए सेम सेम का प्रयोग नहीं होता है। आई जे के लिए जो होता है दोस्तों, इस सब के लिए दोस्तों सेम और असेम का काम होता है, लेकिन ए डॉट ए जो दिया रहता है डी स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू होता है ए का मैग्नीट्यूड का दोस्तों होल स्क्वायर देंगे। अगर ए करो ए पूछ देंगे तो वन नहीं होगा, ए क्रॉस ए जो होगा दोस्तों जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सब क्लियर कर। लेकिन ए डॉट ए जो दोस्तों 2021 में पूछा हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। यहां से जो विद्यार्थी सी नंबर ऑप्शन लगायो बिल्कुल सही लगायो डी स्टूडेंट, एकदम हल्का मचा देना 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट, लाजवाब प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों को भी। अब ये कैसे पूछा है वो भी बतला देते हैं। देखिए आप लोगों को पहला बात तो पता होना चाहिए स्टूडेंट, थोड़ा सा कलर हम लोग को चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा। चलिए यहाँ से आप लोग को ए दिया गया, यहाँ से भी ए दिया गया, यहाँ पे दिया गया, सभी को ऊपर दोस्तों वेक्टर या कैप कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो वैल्यू होता है जीरो होता है। क्यों तो आप लोग सोचोगे था ये सर जीरो मार देंगे, नहीं, देखिए आप लोग को ट्रिक हम लोग दे देते हैं। जब भी आप लोग को दोस्तों ये वाला आप लोग का जो लोग को देख रहा है सारने के इस प्रकार से दोस्तों मैग्नीट्यूड, इसमें जब भी दो या दो से अधिक दोस्तों ए, यानी कि एक ही जाति का घर में दो गो रहेगा तो उसका वैल्यू दोस्तों जीरो हो जाएगा। अब क्यों होगा वो आप लोगों को दोस्तों समझना चाहिए। देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहा है ए डो, देखिए ए वेक्टर दे देगा, फिर ए वेक्टर दे देगा, अगर बी वेक्टर देगा तो भी इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक दोस्तों आप भी अब जब आप लोगों का दोस्तों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सेम सेम रहेगा दो गो भी, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन अपन को ऐसा दिख रहा है कि तीनों को तीनों दोस्तों ए जो दिया गया आप लोग को सेम है, तो यहाँ से आप लोग को जीरो लगा दे। देखिए कितना ईजी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में यार क्या पता हूँ डी स्टूडेंट ऐसे पूछेगा, देखे ना ऐसे बी दे देगा, फिर यहाँ से ए दे देगा, यहाँ से बी दे देगा और कहेगा इसका आप लोग को आंसर देना है, तो आप लोग सोचोगे कि भाई साहब तो हम लोग पढ़े नहीं, ये क्या है रूट थ्री इसका आंसर, ऐसा आप लोग सोचेंगे। लेकिन नहीं, वो सब छोड़ दो, दो गो जाति एक जाति का है, जब दो या दो से अधिक रहेगा एक एक, एक जैसा तो उसका जीरो हो जाएगा, देखिए बी नंबर हो जाएंगे। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में भौकाल मचा दोगे, इसलिए कहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लेना डी एशन, और आप लोगों को पीडीएफ कोर्स आवाज से लेना डी एशन, आप लोग को सॉल्यूशन के साथ पूरे ऑब्जेक्टिव देंगे डी एशन ऑल सब्जेक्ट का देंगे, तो आप लोग आवाज से पीडीएफ कोर्स में जुड़ना डी एशन, आप लोग को एग्जाम तक आप लोग को मदद करेंगे, ठीक है डी एशन, ये नंबर रहा। चलिए देखिए आई क्रॉस के पूछा जा रहा है, ऐसा ट्रिक के लिए हम लोग यही वाला डायग्राम लेंगे जो कि क्रॉस के लिए इसी का यूज किया जाता है। आई हो गया ये और ये हो गया जे और ये हो गया के, ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों से क्या पूछा आई क्रॉस के, तो आई कहाँ गया, तो आई क्रॉस के उल्टा चल रहा डियर स्टूडेंट, हम लोग तो इस प्रकार से ना चल रहे थे लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इस प्रकार से पूछा है तो कौन बड़ा बात है डियर स्टूडेंट, माइनस में चलेगा और क्या, क्योंकि उल्टा काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है तो माइनस में जाएगा, यानी कि आई क्रॉस के माइनस जे होगा, तो माइनस जे देखोगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए कितना इजी प्रश्न है, कैसे बतलाऊं डी स्टूडेंट, काफी इजी प्रश्न है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एग्जाम में भौकाल मचाना चाहते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आई क्रॉस से दोस्तों के पूछेगा तो आप लोग को पता है डी स्टूडेंट यहाँ से माइनस जे हो जाएंगे। चलो यहाँ से एट नंबर प्रश्न भी काफी इजी प्रश्न ही कहेंगे क्योंकि उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए के क्रॉस आई पूछा तो यहाँ से आई लिखेंगे, यहाँ से हम लोग जे लिखेंगे और यहाँ से हम लोग के लिखेंगे,
ठीक है सुन, चलो यहाँ से के क्रॉस आई पूछा जा रहा है, के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन सही है, इसी प्रकार से हम लोग जा रहे थे। तो आए क्रॉस, के क्रॉस क्या है, आई है, तो के क्रॉस आई तो आएगा जे, और आप लोगों को पता है पहले से जे है और इसका मान आएगा जे, तो जे डॉट जे वन होता है, क्योंकि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि सेम सेम में दोस्तों जो डॉट प्रोडक्ट होता है वन होता है। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन देखिए, इतना इजी जी कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग को कहते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग मैथ से घबराइए नहीं, काफी इजी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक आध दो प्रश्न इक्का दुक्का दोस्तों जो प्रश्न होते हैं दोस्तों हार्ड आप लोग को लगेगा, बाकी इतना सिंपल सिंपल होता है। कैसे मतलब मुझे पता है जो क्वेश्चन हार्ड आता है ना विद्यार्थी वीडियो छोड़ करके जाने लगते हैं, मुझे पता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें दोस्तों वो प्रश्न सताता है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ये प्रश्न देखेंगे तो अधिकतर विद्यार्थी लापता हो जाएंगे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करें, काफी इजी ट्रिक देंगे तो आप भी गिर जाएंगे। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न इजी है, क्रॉस पूछा है, देखो इतना लंबा चौड़ा जानबूझ करके दे दिया, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं डियर स्टूडेंट, दो जो अवयव होते हैं उसका खेल है। अब आप लोगों को जे क्रॉस आई पता है तो इसका वैल्यू निकाल लोगे, और जब ये पता रहेगा तो एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, आप लोगों से जे क्रॉस आई पूछा तो जे ये रहा जे, ये कह रहा जे रहा, जे क्रॉस आई यानी कि देखो ऊपर जा रहा है। डियर स्टूडेंट हम लोग इस प्रकार से चल रहे थे, ठीक है ना, इस प्रकार से, लेकिन जे क्रॉस आई बोल दिया तो इस प्रकार से जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि विपरीत ना चला, डियर स्टूडेंट आई रो इस प्रकार से है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है इस प्रकार से चलो, यानी कि उल्टा ले जा रहा है, अब उल्टा ले जा रहा है, जे क्रॉस आए तो माइनस किया आएगा, बिल्कुल आएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा माइनस में होगा। अब माइनस में कहाँ का वैल्यू दिया, यहाँ दिया गया, यहां दिया गया है, और आप लोगों को पता ना ये स्टूडेंट जे क्रॉस के दोस्तों माइनस के होता है, तो माइनस के तो पांचों के बीस, तो माइनस बीस के ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब नहीं समझ में, एक बार और समझा देंगे, कौन दिक्कत है डी स्टूडेंट, यहां से आई लेंगे, यहां से जे लेंगे और यहां से के को ले लेंगे। चलिए यहां से आप लोग देखोगे तो आए यानी कि दोस्तों जे क्रॉस आई उल्टा चला है, उल्टा चलेगा तो माइनस का की आएगा, और पांच चौके बीस होता है तो माइनस का की हो जाएंगे। बहुत इजी प्रश्न है डी स्टूडेंट, देखिए ना डी स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न आप लोग तो एग्जाम में तहलका मचा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए अब देखो इस प्रश्न में अधिकतर विद्यार्थी लापता हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है डी स्टूडेंट बोरिंग समस्या, लेकिन ये नहीं देखते हैं डी स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, कुछ नहीं यार, सेम सेम को सेम जगह रखेंगे। देखिए दोस्तों आप लोग शाम जो कैटेगरी को अपना लो, ये आई कैटेगरी का है, ये भी आईटीआई कैटेगरी का है, इसको इससे गुना करेंगे, ये जे कैटेगरी का है, ये जे कैटेगरी का है, ये दोस्तों इससे गुना करेंगे, ये दोस्तों फाइव कैटेगरी का है, तो के कैटेगरी का है। देखो शाम जो गए एग्जाम में तहलका मचा कर क्या होगी, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, और इसको इससे गुना करना है। जब ये पता रहेगा तो आप लोग दोस्तों सैम्बोल से पहचानो, इसको आई को करेंगे दो से गुना, तो आए और माइनस टू आई, आप लोगों को पता चला माइनस का टू, क्योंकि आए डॉट आई जो होता है दोस्तों वन होता है, लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिया गया, देखो ना यहाँ पर ऊपर देखो ना मैथ पर, चलिए यहाँ से आई डॉट आई तो वन होता है, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से माइनस टू और दोस्तों चार, यानी कि माइनस चार दोने आठ, क्या दोस्तों आठ माइनस आठ, चलो यहाँ से पांच और दोस्तों दो, तो पांच दुने के दस, क्या दोस्तों दस, चलो प्लस का दस आएगा। अब सोचोगे डियर स्टूडेंट यहाँ से जोड़ेंगे तो बिल्कुल जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जी बिल्कुल हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन आप लोगों को पता ना डियर स्टूडेंट माइनस का चिन्ह बढ़ा है, यानी कि माइनस दस प्लस दस दोस्तों कंबाइन करोगे जीरो आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी कि माइनस दस प्लस दस करोगे तो जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो आएगा, इसका जो वैल्यू होगा ए नंबर ऑप्शन में दिखेगा। अब कुछ विद्यार्थियों को मुझे पता है कि नहीं समझ में, लेकिन कुछ विद्यार्थी कमजोर थे, कुछ कुछ समझ में आया, एक बार और बता देंगे तो सर जी 100% हो जाएगा। देखिए इसको इससे गुना करना तो माइनस का टू आया, इसको माइनस टू को माइनस चार से गुना किया तो माइनस का आठ आया, और पाँच को दोस्तों दो से गुना किया दस आया, ये दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का दस आता है, ये प्लस का दस, प्लस माइनस कट गया जीरो। चलिए बहुत इजी प्रश्न था, लाली पॉप प्रश्न था, क्या लाली पॉप, पिछले बार सेंटअप एग्जाम में दोस्तों इससे 40 ऑब्जेक्ट के पूछा था, अगर आप लोगों के पास सेंटअप एग्जाम का प्रश्न होगा
तो उसमें आप लोग देख लेना 40 ऑब्जेक्टिव पूछा था, गर्दा उड़ा दिए थे। चलिए देखिए आपका अब क्या प्रश्न आया है, देखिए 22 का प्रश्न आ गया है। देखिए डी स्टूडेंट लाजवाब प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूछता है, आई डोंट जे। देखो अब क्या करेंगे डी स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को बार बार पूछेगा। आप लोग को बतला दे रहे हैं कि जब भी दोस्तों सेम है दोस्तों डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो वन होगा। आप समझो कैसे वन होगा वो सब समझो। देखो सेम है इतने आप लोग को याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में वन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सेम नहीं रहेगा, आई डोंट जे दे देगा, जे डॉट के दे देगा, के डॉट आई दे देगा, ये सब का वैल्यू जीरो होगा, डायरेक्ट मारेंगे। आप समझोगे एग्जाम में तहलका मचा दोगे। यहाँ से आप लोग को याद रखना, जब भी दोस्तों अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो इसका आप लोग को याद रखना जीरो हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए कितना इजी प्रश्न, एक भी प्रश्न आप लोग को हार्ड लगा है डियर स्टूडेंट, एक भी प्रश्न यार हार्ड नहीं है तो यार हार्ड क्या लगेगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मैथ में कोई दोस्तों ऐसा सवाल है जो आप लोग बना नहीं सकते, सही प्रश्न इजी होता है, 50-60 में इजी से कर लोगे। चलिए कहा जा रहा है डी स्टूडेंट आप लोग को आए जे के टू प्लस जैव। देखो यहाँ से एक ट्विस्ट आता है, जो विद्यार्थी यहाँ से जो मेहनती होंगे, जो अनुभव को प्राप्त किए, ज़्यादा मेहनत की होंगे, उनके लिए लाभकारी है। देखो के है इसमें के नहीं है, मतलब क्या हुआ, के का सुपड़ा साफ हो गया, जो आप लोग का के जो दिया गया डी स्टूडेंट इसका सुपड़ा साफ है, क्योंकि यहाँ से आप लोग का 2i और 3j दिख रहा है लेकिन के नहीं दिख रहा है, यानी कि के यहाँ पर जीरो है। आप लोग को पता है कि दोस्तों जो जीरो है, दोस्तों जो जीरो है वो दोस्तों के से गुना करके जीरो हो जाएगा। छोड़े ये सब बात, के को ख़त्म करो हटाओ, क्योंकि दोस्तों इसमें के है ही नहीं। चलो आई को आई वाला से गुना तो 2i, तो यहाँ से आप लोग का 2 आ गया। जे को जे वाला से गुना तो आप लोग का यहाँ से प्लस का 3 आ गए, मिल करके 5 बनेगा। एग्जाम में देखोगे भौकाल मचा करके आओगे, ए नंबर हो जाएंगे। देखिए ना डी स्टूडेंट कितना इजी प्रश्न है, एकदम लॉलीपॉप होता है ना वो वाला, खाने वाला प्रश्न है। यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से आप लोगों को पता चला ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। चलो जे डॉट जे क्या होता है, तो प्लस का दोस्तों 3 हो गया, आप लोगों को 5 बन गया, एग्जाम में भौकाल मचा देंगे, ए नंबर। चलो देखिए 13वां नंबर प्रश्न कोई आम प्रश्न है स्टूडेंट, जो कि आप लोग तहलका मचा दोगे। मैंने बोला क्या बोला दोस्तों, कि जब भी दोस्तों डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा तो उसका जो वैल्यू होगा जीरो हो जाएगा। अब आप लोग समझोगे एग्जाम में भौकाल पक्का मचा दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल देखो ये दोनों दोस्तों जहाँ पे सेम रहेगा अलग अलग दोस्तों डॉट प्रोडक्ट में, तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। देखो अलग अलग दिया गया डॉट प्रोडक्ट में, इसका जीरो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोई प्रश्न में जान ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, कोई औकात ही नहीं है कि आप लोगों से पंगा ले, लेकिन आप लोग ही डरते हो तो डरो यार, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखोगे, इजी प्रश्न है, कहा जा रहा है 2i प्लस जे प्लस 2 के। देखो इसमें माइनस प्लस का कोई फंडा नहीं है, आप लोग सोचो यार सब पल से है, ऐसे पल से दिया गया है। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे, जो आप लोग का गुणांक जो था फैक्टर उनको आप लोग को लिखते जाना है, 2 का स्क्वायर आई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर उसका गुणांक फैक्टर। देखिए 2 का स्क्वायर इसका सभी का कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, 4 करेंगे, इसका 1 करेंगे, इसका 4 करेंगे, मिलकर के क्या बनेगा √9, और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, 3 देखोगे ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा डी शॉट। इतना इजी प्रश्न कोई जान ही नहीं है प्रश्न में, ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ये सब आप लोग ऐसे ही उड़ा दोगे एग्जाम में, ठीक है ना डी शॉट। आप देखो ऐसा प्रश्न आप लोग को बोले ना, जब क्लियर हो जाएगा तो समझिए पूरा एग्जाम पता। देखिए यहाँ से आप लोग को आई दिया गया, बस 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 ये जे और के जो दिया गया ना, ये संख्या बढ़ाने के लिए फालतू में दोस्तों कह सकते हो गैंग है, ये मवाद है, इसको मत कीजिए, ठीक है ना। हम लोग को एक ही से काम है, वो दोस्तों 3 से काम, और 3i और 3i मिल करके पता है दोस्तों 3 निर्माण करेगा, क्योंकि आप लोग को पता नहीं डी स्टूडेंट बाहर में क्या दिया गया, आई सिर्फ दिया गया, जब आई दिया गया जे नहीं दिया गया तो जीरो, के नहीं दिया गया तो जीरो, यानी कि इसका काम तमाम, जब इसका काम तमाम तो 3i.i 1 होता है, 3×1 मिलकर के दोस्तों 3 का निर्माण करेगा। तो यहाँ से देखोगे बी नंबर, इतना इजी प्रश्न था। देखिए ये प्रश्न जो आप लोग को दिया गया है दोस्तों 16 नंबर में, इजी प्रश्न है, भौकाल मचा दीजिए ना। देखिए यहाँ से आए, देखो ए और बे को जोड़ना है, देखिए जोड़ है दोस्तों, क्या है जोड़ है,
यहाँ से जोड़ोगे क्या आएंगे, थ्री आई आएंगे, ठीक है ना रिलेशन। यहाँ से दो को जोड़ोगे जे से, तो यहाँ से थ्री जे आएंगे। अब सोचोगे ये क्या हो गया, क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये मैग्नीट्यूड यहाँ से दिया गया है। और आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट, क्या पता है, पता है आप लोगों को, देखिए ये मैग्नीट्यूड दिया गया तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे। आप लोगों को पता है थ्री आई का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को पता ना डियर स्टूडेंट कितना जाएंगे। चलिए देखिए, जब भी आप लोगों को पूछेगा दोस्तों मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो अंडर रूट में ही होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उसी प्रकार से करेंगे इसका, तो थ्री का आई का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को पता है ये स्क्वायर दोस्तों आई वन हो जाता है। यहाँ से तीन का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आप लोग को पता है दोस्तों कि नौ प्लस नौ मिलकर के अठारह हो जाएंगे, अठारह हो जाएंगे। और आप लोग इसको फैक्टर तोड़ोगे यहाँ से, तीन गुना तीन दिन नौ और नौ दोनों के अठारह, यानी कि जोड़ा को बाहर करो यानी कि थ्री रूट टू हो जाएंगे। थ्री रूट टू दिया गया है, ए नंबर खत्म, बी नंबर खत्म, थ्री रूट टू, थ्री रूट टू। देखिए डी नंबर भी खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कितना है ये प्रश्न, कोई जान ही नहीं है। देखो बाईस में पूछा, इतना लॉलीपॉप प्रश्न है, लॉलीपॉप इस प्रकार का उसी वाला प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चबाने वाला क्वेश्चन है, ये सब हल्के में क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये भी लॉलीपॉप प्रश्न है, ये सब चाट जाओ, ठीक है स्टूडेंट। एक साई प्लस बाई जे प्लस जेड का मापांक, देखो अरे यार मापांक पूछा, ऐसा तो अभी ना भी हम लोग सॉल्व किए स्टूडेंट, ऐसा भी ना सॉल्व किए, बहुत अच्छा है। देखिए हाँ देखिए स्टूडेंट, कितना इजी प्रश्न है, एकदम हल्का मचा करके लिख देना है। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि इसका मापांक चलोगे तो बी नंबर ही होगा डी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग देख पाओगे इतना इजी प्रश्न तो हम लोग दोस्तों क्या बताएं, इतना इजी प्रश्न आ गया। चलिए सही विद्यार्थी सात नंबर क्वेश्चन का कमेंट करेंगे, कितना इजी प्रश्न आप लोगों को लग रहा है, क्या आप लोग एग्जाम में इसको भौकाल मचा देंगे इस प्रश्न को देख करके। चलिए चलिए डी स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा, याद रखना इसका आप लोग का बी नंबर ही ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मापांक ही होता है। अभी आप लोग को ये सॉल्व कराएं। देखिए हमने क्या बोला, हमने क्या बोला था दोस्तों कि जब भी आप लोगों को दोस्तों दो को सेम रहेगा तो जीरो देगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं दिया गया है, सब दोस्तों अलग अलग है, एक्स बाई जेड दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बाई जेड कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, एक्स बाई जेड चलो ये नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो दिया रहता है वही आंसर नहीं होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, समझो। अब हम लोग सोचेंगे एक्स बाई जेड, तो बाई जेड एक्स करेंगे, बाई जेड एक्स या जेड एक्स बाई, ठीक है डेशन, जेड एक्स वाई, कोई देखो दोनों में से कोई दिया गया, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है डेशन, दोनों देगा तो दोनों होगा। बाई जेड एक्स नहीं दे, बाई एक्स जेड दिया गया नहीं देगा, बाई जेड एक्स ई भी नहीं दे, ई भी नहीं दे। चलो अब जेड एक्स वाई जेड देखो कहाँ दिया गया है, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, ये रहा डेशन, खोज लिया ऑप्शन नंबर डी। देखो एक्स बाई जेड दिया गया है तो बाई जेड एक्स खोजो, या तो ए या एक्स बाई जेड तो बाई जेड एक्स, या तो जेड एक्स बाई खोजो, ऐसे चलता है, तो जेड एक्स बाई ऑप्शन नंबर डी में है। भौकाल मचा दिए स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके बताना पिछले बार इसका सेंटअप एग्जाम कब सॉल्यूशन किया था। देखिए क्या प्रश्न है, ये प्रश्न लाजवाब है। देखिए 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, ए और बी दिया गया है, तो दिया तो गया लेकिन कुछ नहीं दिया गया, क्या पूछ रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन तो ऐसे ही दे दिया लेकिन आंसर छिपा है ऑप्शन में। अब ऑप्शन में छिपा है तो ए डॉट बी पूछा जा रहा है, जो कि बतला रहा है ऑप्शन है। अरे डियर स्टूडेंट, टू को टू से गुना, टू को टू से गुना तो माइनस का टू आ गया, चलो जे को जे से गुना तो माइनस का वन हो गया, और दो को दो से गुना तो माइनस का दो हो गया, क्योंकि दो माइनस दो तो माइनस दो। आप लोगों को पता है डी एस्टूडेंट, माइनस दो माइनस दो माइनस चार और माइनस वन ये वाला, और आप लोगों को पता है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का फाइव या माइनस का फाइव, तो माइनस का फाइव, क्योंकि माइनस का एंगल बड़ा। तो यहाँ से देखोगे बी नंबर बी नंबर बी नंबर। देखिए इतना लॉलीपॉप प्रश्न है डी एस्टूडेंट, आप लोग तो हल्का मचा दोगे। अगर ये सब आप लोगों को दोस्तों नहीं पता, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोगों में सही में बुध हुआ लेकर हो, ठीक है ना, बुद्ध जो होता है वही विद्यार्थी हो, ऐसा अगर आप लोग को नहीं आता ये सब समझ में, ये सब आप लोग को ये दोस्तों कक्षा फाइव सिक्स में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, सेवन क्लास में वास्तव में पढ़ना है, ये सब आप लोग को नहीं पता चलता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि ये जोड़ घटाओ ये बड़े मूर्खता वाला काम अगर आप लोग को नहीं आता कुछ विद्यार्थी को तो, ठीक है ना। चलिए कि ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होना चाहिए, ये तो लॉलीपॉप प्रश्न था यार,
लाले पॉप प्लस था रेशन ए डॉट बे माइनस बी डॉट ए क्या होता रेशन कमेंट कीजिए बेहतर तरीके से। चले बहुत अच्छा, देखो ए डॉट बे पूछेगा तो क्या हो जाएंगे रेशन, ए डॉट बी अगर पूछ जाए तो क्या हो जाएंगे, चलिए ए डॉट बी पूछ देगा तो बी डॉट ए हो जाएंगे, लेकिन क्रॉस में जो होता है माइनस में चला आता है, इसलिए बी नंबर याद रखना, दो नंबर क्लियर करा दिए, ए वो पक्का पूछेगा। देखिए ऐसा प्रश्न है आई क्रॉस जे तो के, देखिए इस प्रकार से डायग्राम ले लेना एक प्यारा सा सुंदर सा, आई ले लेना इसके लिए, इसके जगह जे ले लेना, इसको के ले लेना है। देखो इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से आता है आप लोगों को आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो आएगा के, तो के देखोगे ऑप्शन नंबर सी में हो जाएंगे, इजी प्रश्न था। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, कहा जा रहा है आप लोगों से कि 2020 में पूछे हैं, 2015 में पूछेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछेंगे। कहा जा रहा है कि एक, देखिए एक जीरो डी, देखिए इस प्रकार से होता है आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, इसकी जगह आप लोग पुट अप कर लो, आई की जगह रखेंगे वन, तो ये वन देखा गया है यहाँ पर आई दिया गया है, यानी कि आप लोग को जो दिया गया है दोस्तों बाई जीरो होगा, बाई कहाँ पर जीरो दिया गया है, यानी कि एक्स बाई जेड, यानी कि आई जे, जे कहाँ पर जीरो दिया गया है, इसमें जे दे दिया खत्म, इसमें जे दे दिया खत्म, क्योंकि आई जे के ना होता है तो जे जीरो होना चाहिए, इसमें जे नहीं दिया गया है, लेकिन आई वन दिया गया है, जे आप लोगों का जीरो दिया गया, के आप लोगों का दो है, लेकिन यहाँ पर तीन दे दिया खत्म, आई दोस्तों आप लोगों को दिया गया है, देखो आई आप लोगों को दिया गया है एक दिया गया है, और दोस्तों जे जीरो दिया, जे जीरो दिया गया, के आप लोग का दो दिया गया, टू के दिया गया। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कितना लाले पॉप प्रश्न था रिएक्शन, आप लोग कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा आप लोग को लगा, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, लगे है चैनल को सब्सक्राइब करना है, पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है, और आप लोग को गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा। चलिए केज वगैरह टेस्ट वगैरह लगाने के लिए गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। देखिए रेस्टोरेंट यहाँ से आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है, क्या करना है गूगल ओपन कर लेना है, और यहाँ से आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, क्विज लगा सकते हो, यहाँ से पीडीएफ पर डाउनलोड कर सकते हो, ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यहाँ आप लोग को गूगल पर सर्च करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेबसाइट है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इस पर आप लोग को क्लिक कर रहे हैं, आप लोग को एजुकेशन लेक्चर दिख रहा है ब्लू कलर में, उसी पर आप लोग को क्लिक करना है, यहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो जाएगा, तो गूगल पर आप लोग भी जाना, देखिए यहाँ से आप लोग को 12th आईएससी दिया गया, यहाँ से पूरा 12th आईएससी के आप लोग पूरा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब आप लोग तैयारी कर सकते हो, और डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो, और यहाँ से आप लोग का क्लास 10th का तैयारी होता है, यानी कि आप लोग को यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके सिवा आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, क्विज लगा दो, न्यू अपडेट में आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड होता है, क्वेश्चन बैंक में भी आप लोग का दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड होता है, लेकिन आप लोग को यहाँ से चले आना 12th आईएससी पर, यहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह पूरे सब्जेक्ट का आप लोग पढ़ सकते हैं, रिलेशन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, पीडीएफ शिक्षा आप लोग को यहाँ पर दिया जाता है। देखिए यहाँ से आप लोग हिंदी पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, रसायन शास्त्र पढ़ सकते हो, जीव विज्ञान पढ़ सकते हो, देखिए हिंदी चैप्टर वाइज अंग्रेजी गणित भौतिकी रसायन शास्त्र, तो यहाँ पर जो भी आप लोग को क्लिक करना उस पर आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यहाँ से आप लोग टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर वैधता अवैधता क्षेत्र है, इस पर आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हो तो नीचे आप लोग का सभी का लिंक दिया हुआ रहता है, देखिए आप लोग यहाँ से पीडीएफ पढ़ सकते हो पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से अपना आप लोग नाम दे देना। चलिए सही विद्यार्थी आना, यहाँ से आप लोग टेस्ट लगाना रेस्टोरेंट, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने का एक चांस मिलेगा, ठीक है रेस्टोरेंट, यहाँ से आप लोग नेक्स्ट कर दो, यहाँ से विद्युतशीलता का मातक पूछा तो आप लोग भी आना रेस्टोरेंट एग्जाम में तहलका मचाना, ठीक है रेस्टोरेंट। चलिए आप लोग भी आइए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम।